यह सात बातें आपकी जीवन की लोगों को मत बताओ, इसके बारे में आज आपसे मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, यह हमारा मिशन है और इसमें आपकी भी पार्टनरशिप में चाहूंगा। तो जो सात बातें, उसमें सबसे पहली बात जो है कि जिसमें डिफरेंस ओपिनियन है, वो है अपने ध्येय, अपने गोल्स लोगों को बताना। अपने ध्येय जो है, अपने जो गोल्स है, वो लोगों को बताना ही हमने टालना चाहिए। अपने ध्येय या गोल्स सिर्फ वही लोगों को बताना कि जो अपने लिए सपोर्टिव है, मदद करते हैं, या जो अपना कोच है उसको। मगर जो ऐसे पब्लिक है, आम पब्लिक है, कहीं भी जाके हम बोलेंगे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा ये गोल है, वो गोल है, तो ऐसा कभी नहीं करना। अच्छा, बार बार यदि आप अपने गोल शेयर करते हैं तो उसमें और एक प्रॉब्लम होता है। जब आप गोल शेयर करते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि मैं 5 साल में ये करूँगा, वो करूँगा। होता क्या है कि जब आप शेयर करते हैं तो आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स का सिक्रीशन होता है, जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो सक्सेस मिलने के बाद में एंडोर्फिन का सिक्रीशन होना चाहिए, वो सक्सेस मिलने के पहले ही हो जाता है। उससे होता क्या, उससे इम्पैक्ट ये होता है कि फिर आपकी काम करने की जो इच्छा है या कृति है, वो कम हो जाती है या कम हो सकती है, अपनी कोशिशें कम हो सकती है। उसका और ये भी है कि लोगों को जब शेयर करते हैं और जिनका उसमें कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, जिनको कुछ समझता नहीं है, वो अपना अपना ओपिनियन देंगे और आपको कन्फ्यूज करेंगे। ये दूसरा उसका लॉस है, ये इम्पैक्ट है। और तीसरा है कि समझो आप ये करते हैं, मतलब शेयर करते हैं या डिक्लेयर करते हैं और ये हुआ नहीं, समझो, तो फिर लोग आपके बारे में फिर गॉसिपिंग करते, ये बहुत बड़प्पन करता है, बड़ी बड़ी बातें करता, होता तो कुछ नहीं, पिछले बार भी ऐसा बोला था, अभी भी ऐसा बोल रहा है, मतलब ऐसे करते रहते। तो ये सब बातें डालने के लिए जो अपने अपने को सपोर्ट करने वाले को उनके साथ में शेयर करना, अपना कोच है उसके साथ में शेयर करना, बाकी ऐसा आम पब्लिक में करना नहीं है। नंबर दो, अपना अपनी जो संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है अपनी, कितना पैसा है, कितना खर्चा कर सकते हैं, आप अपने घर के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं, कहाँ पैसा उड़ाते हैं, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लोग क्या है, लोग आपके ऊपर जलेंगे, आपके दुश्मन तैयार हो जाएंगे, स्पेशली जिनके पास में पैसा नहीं है वो तो है ही, और जिनके पास में है वो भी तैयार हो जाएंगे दुश्मन आपके, और आपके ऊपर जलेंगे लोग। तो वो अपने संपत्ति के बारे में कभी शेयर करना नहीं है, कितना है, क्या फर्क पड़ रहा है, लोग उसमें कोई डालने वाले तो है नहीं, उल्टा आपसे जलेंगे और आपको प्रॉब्लम खड़ा कर देंगे। तो एक दूसरा है। तीसरा जो है कि अपने जो बिजनेस है उसके ट्रेड सीक्रेट्स। क्या होता है कि हर बिजनेस के अपने ट्रेड सीक्रेट होते हैं, और आपके खुद के, आपके बिजनेस के व्यक्तिगत ऐसे सीक्रेट होंगे जिससे आपको सफलता मिली, जो शायद किसके पास में नहीं होंगे। और वो यदि आप एक्सपोज करते हैं तो हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर वो ले लेंगे और आपको प्रॉब्लम करेंगे। तो आपके जो ट्रेड सीक्रेट है वो कभी नहीं बताने का। चौथा जो है कि आपको आपका जो पर्सनल लाइफ है, जिसमें फिलॉसफी आपकी कौन सी है, आपकी मान्यताएं कौन सी है, आप कौन से धर्म पे विश्वास करते हैं, ये लोगों को बता के क्या होता है कि लोग कन्फ्यूजन तैयार करते हैं, उनको लगता है कि ये वो लोग फिर अपना अपना खुद का चालू कर देते हैं, और फिर कभी भैंसबाजी हो सकती है कि मेरा धर्म बड़ा है कि तेरा धर्म बड़ा है, मेरी कास्ट बड़ी है कि तेरी कास्ट बड़ी है, तो उसमें कोई पढ़ने का नहीं है। और अपना जो पर्सनल लाइफ है, हमारा कहाँ विश्वास है, कौन सी विश्वास के ऊपर हम काम करते हैं, बताने की कोई किसको जरूरत नहीं। फिर जो है नेक्स्ट, वो है पारिवारिक समस्या। पारिवारिक समस्या अपनी जो है वो कभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में क्या चल रहा है ये लोगों को बता के क्या होगा, लोग उसकी गॉसिपिंग करेंगे, उनकी नज़र बदल जाएंगी, और ये आदमी और कैसा प्रॉब्लम में आएगा वो और वो देखेंगे, या फिर अपने ही घर के, अपने परिवार के लोगों को और कुछ तो भी वो भड़का देंगे। तो अपना जो प्रॉब्लम है, अपनी जो समस्या है, वो लोगों को शेयर करने में मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपको कोई कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे तो जरूर बताओ। आपको कोच है, आपका कोचिंग कर रहा है, आपका गुरु है, जरूर बताओ। आपका अच्छा चाहने वाला है उसको बताओ, मगर वैसा आम पब्लिक में कोई बताने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि भाई अपने जो मतलब लोगों ने जो अपने को सीक्रेट्स बताया है उनके लाइफ के, वो अपने अपने ऊपर वो विश्वास रखते हैं, कन्फाइड करते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, और जब वो अपने कुछ बताते हैं तो मेरा काम यह है कि वो मैंने मेरे पास में रखना है, लोगों को बोलने का नहीं है। क्या होता है फिर उनका विश्वास अपने ऊपर निकल जाएगा, वो कभी अपने से बात नहीं करेगा, कभी अपने मन की बताएगा नहीं, तो फिर कभी भी जब लोग बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसने बता दिया तो अपन जाके किसको बोल देंगे। क्या होता है कि लोग बहुत हल्के कान के होते हैं, समझो मैंने किसको बोला ना कि देखो मैं तेरे को एक बात बताता हूँ मगर किसको बोल मत, ऐसा आपने किसको बोल दिया, किसको बोल मत, तो पहले जाके बोल देंगे लोग अपने पास में रखते नहीं कोई बात। उन्हें वो सीखना चाहिए
कि अपने पास में बात रखना है, लोगों को आम पब्लिक को ऐसे लाउडस्पीकर लगा के बताने का नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि अपना जो डर है या अपने में जो समझो कोई दोष होगा या अपने कोई कमियां होंगी वो नहीं शेयर करने का है। वो शेयर करके क्या होता है, लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं, उनको मालूम है कि ये इसका वीकनेस है, ये वीक पॉइंट है, फिर उसका गलत फायदा उठा के उसको एक्सप्लॉइट करके फिर लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये जो बातें हैं इसमें हमने देखना चाहिए कि भाई ये बातें हम यदि करते रहते हैं, ये बातें हम करेंगे, मतलब अपने जो 7 बातें मैंने बताई, एक है अपने जो ध्येय बताने का नहीं है, नंबर जो मैंने बताया संपत्ति जो है, फिर अपने ट्रेड सीक्रेट है 3, फिर अपना खाजगी जो लाइफ है पर्सनल लाइफ 4, फिर अपने पारिवारिक समस्याएं 5, फिर अपने जो अपने सीक्रेट्स जो है अपने पर्सनल 6, और अपने जो अपना जो डर है, अपने जो दोष है अपने में वो किस बताने का नहीं है 7। ये ऐसे 7 पॉइंट यदि आप किसको बताते नहीं है, अपने पास में रखते हैं, तो आपका जीवन सुखी होगा, समृद्ध होगा और शांति का होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ लोगों को दाखिल करके मानसिक समस्या ठीक करने की व्यवस्था है, शराब मुक्त करना अपना देश, हम हिप्नोटिज्म करते हैं, हिप्नो काउंसिलिंग करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो सब तरह की इलाज हो सकते हैं। जो अच्छे हैं उनको और अच्छा करना, और जो प्रॉब्लम वाले हैं मेंटल इलनेस है उनका मेंटल इलनेस ठीक करना, ये हमारा मिशन है। आप भी उसके इसमें हमारे पार्टनर बन जाएंगे। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।